वेल हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस लर्निंग एकेडमी। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। आज हम स्टार्ट करते हैं आपका न्यू टॉपिक रिलेटेड टू साइंस, व्हाट इज़ प्रेशर। प्रेशर के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्रेशर होता क्या है, कैसे आप डिटरमाइन कर सकते हो कि इसका प्रेशर ज़्यादा है कम है, ठीक है। तो उसी हिसाब से आज हम आपका लेसन स्टार्ट करते हैं। आपको अभी मैं एक इमेज दिखाऊंगी, इस इमेज में आपको डिटरमाइन करना है कि आपने प्रेशर किसके ऊपर ज़्यादा लगाया है, ओके, या फोर्स किसके ऊपर ज़्यादा लगाई है। प्रेशर को पढ़ने से पहले फोर्स के बारे में जानते हैं। देखो, आपको यहाँ पे दो इमेज दिख रही होगी, एक ग्रीन कलर की, दोनों पेपर्स हैं, ऊपर आपका थंब है, ठीक है। तो जब आप पेपर के ऊपर थंब लग से फोर्स लगा रहे हो तो उस टाइम पे क्या हो रहा है, पेपर थोड़ा नीचे जा रहा है, ठीक है। सेकंड में क्या है कि आपने एक ड्राइंग पिन ले लिया, कोई की ले लो, फिर उस पर प्रेशर लगाओ या फोर्स लगाओ कि जैसे आपने उस पर फोर्स लगाया तो आपका जो पेपर है उसके अंदर क्या हो गया, होल हो गया, यानी कि आपकी जो फोर्स है वो इतनी बेहतर थी कि उसने पेपर में होल कर दिया। सो जो ड्राइंग पिन या नीडल आप ले रहे हो तो उसके एरिया क्या है, कम है, तो उसके ऊपर फोर्स भी क्या लगेगी, कम लगेगी, लेकिन इफ़ेक्टिव फोर्स लगेगी। ये किसकी वजह से हो रहा है, ये हो रहा है आपके प्रेशर की वजह से, ओके। सो स्टार्ट करते हैं आज का आपका टॉपिक प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज़ डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया। सो प्रेशर क्या है, प्रेशर है आपका फोर्स पर यूनिट एरिया। देखो, फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स के मेनली आपकी यूनिट होती है न्यूटन, एंड एरिया की क्या यूनिट है आपकी, एरिया मीटर्स के अंदर। तो आप कैसे लिखोगे प्रेशर को, प्रेशर को आप डिटरमाइन करोगे तो कैसे करोगे, प्रेशर इक्वल टू फोर्स इन न्यूटन अपॉन एरिया इन मीटर स्क्वायर, यानी कि फोर्स की यूनिट क्या हो गई, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन हम इसको किस में डिटरमाइन करते हैं, इसकी ऐसा यूनिट होती है आपकी पास्कल, ओके। अभी पास्कल कहाँ से आया, किसने दिया, देखो आपके फ्रेंच मैथमेटिशियंस एंड फिजिशियन थे ब्लेस पास्कल, उन्होंने ये इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था जब वो स्टडी कर रहे थे फ्लूड्स एंड प्रेशर की, ओके। तो ऐसा यूनिट जो आती है प्रेशर की वो क्या है आपकी, ब्लेस पास्कल के नाम पे है, यानी कि ऐसा यूनिट क्या है आपकी प्रेशर की, वो क्या है, पास्कल है, ओके। सो आपको प्रेशर पता चल गया, प्रेशर क्या है, फोर्स अपॉन एरिया, ऐसा यूनिट क्या है आपके प्रेशर की, आपकी ऐसा यूनिट है पास्कल। किसकी वजह से आई, वो आपके फ्रेंच मैथमेटिशियन और फिजिशियन थे ब्लेस पास्कल, ओके। सो इससे रिलेटेड ही हम एक न्यूमेरिकल अभी करेंगे, देखते हैं क्या है वो न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल है आपका, इफ़ ए फोर्स ऑफ 2N इज़ अप्लाइड ओवर एन एरिया ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर कोई फोर्स 2 न्यूटन अप्लाई करी जाए किसी एरिया पे जिसका एरिया क्या है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आपका प्रेशर क्या होगा। देखो, प्रेशर का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला था, क्या था, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, वैल्यू पुट ऑन करनी है, आंसर निकालना है, ओके। लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पे यूनिट्स का ध्यान रखना होगा, फोर्स की यूनिट होनी चाहिए न्यूटन के अंदर, एंड प्रेशर की यूनिट होनी चाहिए पास्कल, और एरिया किस में होना चाहिए, मीटर स्क्वायर में, ओके। सो कैसे आप इसको डिटरमाइन करोगे, आपने क्या देखा, फोर्स कितना है, 2N है, यानी कि न्यूटन में है, ओके। एरिया क्या है, 2 सेंटीमीटर है, यानी कि सेंटीमीटर के अंदर है, इसको हम किसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर स्क्वायर के अंदर। तो जैसे आप इसको मीटर स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.002 मीटर स्क्वायर। कैसे आएगा, क्योंकि आपको सेंटीमीटर को मीटर स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आपको 4 यहाँ पर जीरो लगाने पड़ेंगे, यानी कि 1000 से आपको उसको डिवाइड करना पड़ेगा, ओके। सो 2 डिवाइडेड बाय 1000 आएगा आपका 0.002 मीटर स्क्वायर, ओके। तो ये क्या निकल गया आपका, मीटर स्क्वायर के अंदर आपका एरिया निकल गया। अब क्या है, प्रेशर का फॉर्मूला लगाओगे, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, सो 2N अपॉन 0.002 मीटर स्क्वायर इक्वल टू आएगा आपका 10000 पास्कल, यानी कि 10,000 पास्कल आपका क्या आएगा, आंसर आएगा, ओके। तो प्रेशर कितना लगा आपका, 10,000 पास्कल। बहुत इजी था, बस यूनिट्स का ध्यान रखना है, बहुत सिंपल है ये, ठीक है। तो ये था न्यूमेरिकल। अब इससे रिलेटेड ही हम एक कॉन्सेप्ट और आपका यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। देखो, आपने हील देखी है, ऊंचे वाली हील, ठीक है, उसमें जो पीछे जो
कील टाइप की कुछ स्ट्रक्चर होती है, ऐसी कुछ स्ट्रक्चर जो इमेज में आपको दिख रही है, और आगे से फ्लैट है। तो अगर आप फ्लैट एंड से किसी के ऊपर पैर रखोगे, इतना दर्द नहीं होगा जितना आप उस कील से किसी के ऊपर पैर रख दोगे, ठीक है। तो वो क्यों हो रहा है, वो इस प्रेशर की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि इफ़ेक्ट पड़ता है प्रेशर का आपके एरिया पे भी, क्योंकि प्रेशर क्या है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया है। तो जैसे ही आपका जो नीचे वाले डिनोमिनेटर है, आपका एरिया कहाँ है, नीचे है, यानी कि डिनोमिनेटर में है। तो अगर आपका एरिया कम होगा तो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। ओके, अगर एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, आए बात समझ में। सो प्रेशर और एरिया क्या है, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम लगेगा, प्रेशर कम लग रहा है यानी कि। सो ये था आपका आज का लेसन, जिसमें आज हमने डिस्कस किया प्रेशर और इससे रिलेटेड कुछ अलग कॉन्सेप्ट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर न्यू टॉपिक के साथ। लेसन्स अच्छे लगे हो तो सब्सक्राइब माई चैनल साइंस लर्निंग अकेडमी, एंड थैंक यू टू ऑल।